नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी में और मैं हूं ऋतुबिष्ट। कहीं खुशी कहीं गम। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार खतरे में है और मनोहर लाल की सरकार कड़े मुकाबले में फंस चुकी है, जहां पर बीजेपी का अब की बार 75 बार का नारा फेल हो गया है। मनोहर सरकार के मंत्रियों ने लुटिया डुबा दी है, जहां पर मनोहर सरकार के 5 मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष अपनी अपनी सीट से हार गए हैं। हालांकि अमित शाह के फटकार लगाने के बाद बराला ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं महाराष्ट्र में अब तक नतीजों से जहां बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रहा है, तो नतीजे रुझान एकाएक करके सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर यहां पर स्थिति की बात करें, जो फिलहाल स्थिति हरियाणा में बनी है वो काफी दिलचस्प है, क्योंकि यहां पर मुकाबला कड़ा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, कड़ी टक्कर दोनों के बीच में चल रही है। लेकिन इस बार कई मंत्री कहीं ना कहीं मनोहर लाल को ले डूबे हैं, तो हरियाणा में सभी सीटों के रुझान सामने आ गए हैं, जो हरियाणा की बदलती हुई तस्वीर की ओर इशारा कर रहे हैं। जहां पर एक तरफ कांग्रेस में खुशी की लहर नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी में मायूसी, और जेजेपी ने तो साफ कह दिया है कि सत्ता की चाबी उसके हाथ में है। आइए आपको सुनवाते हैं दुष्यंत चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कैप्टन अभिमन्यू का क्या कुछ कहना है। भाजपा के लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट देके बनाया। मैं सभी से कहता हूँ, समय आ गया है, जितने सब हैं सब दल मिलकर एक मजबूत सरकार बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी में एज चेयरमैन ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि सबको पूरा मान सम्मान और स्थान मिलेगा। हम सब मिलकर एक सरकार बनाएंगे, अपील करता हूँ। सब 11 महीनों का जो संघर्षशील सफर है, आज हरियाणा बदलेगा, हरियाणा परिवर्तन की राह पर चलेगा, हरियाणा के अंदर एक नया उदेगा। और ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के सत्ता की, जो विधानसभा की जो चाबी होगी, वो जननायक जनता पार्टी के हाथ में होगी। और तो समय बताएगा कि जनता ने किस रुख अपना किया है, मगर मेरा ये मानना है कि जो प्यार एक एक वोटर का मिला, जिस तरीके से ताकत एक एक वोटर ने दी, हरियाणा बदलाव चाहता है। मैं ये मानता हूँ, ना तो बीजेपी 40 पार करेगी, ना कांग्रेस 40 पार करेगी, और सत्ता की चाबी जो होगी वो जननायक जनता पार्टी का। अभी चुनाव परिणाम पूरे आने बाकी हैं और जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि अंत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से हरियाणा प्रदेश में बनेगी। और लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार के नाते से जो रुझान सामने आ रहे हैं, तो हम ये महसूस करते हैं कि जनादेश वह जनतांत्रिक जनता पार्टी उसकी तरफ जा रहा है। तो तीनों ही नेता के आपने बयान सुने और कहीं मायूसी झलकी तो कहीं खुशी की लहर है, क्योंकि उम्मीद कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर इस तरह की नहीं की जा रही थी कि जहां पर एक तरफ कांग्रेस ने अपनी सियासी जमीन को खो दिया था, एक बार फिर से उसको फिर से तैयार करने की कोशिश यहां पर मिलती हुई दिखाई दी। और इसी के चलते दलित और जाट कार्ड यहां पर खेला गया, जिसके बाद नतीजे आपके सामने हैं। कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहां पर चल रहा है। तो हरियाणा की बात हम कर रहे हैं, 90 सीटें और 90 सीटों पर कड़ा मुकाबला फिलहाल चल रहा है। आंकड़े एक एक करके हम आपको यहां पर दिखाएंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ग्राफिक्स के जरिए यहां पर देख सकते हैं कि फिलहाल 90 सीटों में जो रुझान सामने आए हैं, जो नतीजे सामने आए हैं, 38 सीटों पर बीजेपी यहां पर आगे चल रही है, वहीं 33 पर कांग्रेस, 10 पर जेजेपी और 2 पर अन्य। तो ये आप देख सकते हैं कि ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरह से टक्कर का मुकाबला जो है वो कांग्रेस और फिलहाल बीजेपी के बीच मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुकाबला कड़ा है, लेकिन जिस तरह से नकारा जा रहा था जेजेपी को यहां पर, उसके बाद एक किंग मेकर की भूमिका में सामने आई है। लेकिन फिलहाल ये महाराष्ट्र के आंकड़े हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र में किस तरह से एक अहम किरदार यहां पर, एक अहम जीत यहां पर देवेंद्र फडणवीस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन जो मजबूत यहां पर होता हुआ चला जा रहा है, 101 पर बीजेपी है, 45 पर कांग्रेस इसमें दिख रही है, 60 पर शिवसेना है। और इसके साथ ही अगर एनसीपी की बात कर ली जाए तो एनसीपी यहां पर 56 सीटों पर आगे है। इसके साथ ही अन्य की बात करें तो 26 सीटों पर
अन्य आगे चल रहे हैं। तो हालांकि अभी ये सिर्फ रुझान है, जैसे जैसे वक्त बीतता चले जाएगा नतीजे भी सामने आएंगे, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल हमारे सामने आए थे उसमें महाराष्ट्र में साफ यहां पर दिख रहा था उन एग्जिट पोल में कि किस तरह से महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर गठबंधन बीजेपी और शिवसेना का पास होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जिस तरह से नतीजे चाहे वो महाराष्ट्र के हो चाहे वो हरियाणा के हो सामने आए हैं, उसमें कई चेहरे ऐसे हैं जिनको लेकर शायद उम्मीद नहीं की जा रही थी कि उनसे इस तरह की खबर यहां पर देखने को मिलेगी, उनसे जनता इतनी मायूस नजर आएगी। बात हरियाणा की करें तो वहां पर ज्यादा इस तरह से चीजें देखने को मिल रही है, जिसमें आपको बता दें कैप्टन अभिमन्यु नानौत से बीजेपी के प्रत्याशी रहे लेकिन यहां वो हार गए हैं, तो बड़ी हार का सामना यहां पर करना पड़ा है। इसके साथ ही सोनीपत से बीजेपी की प्रत्याशी कविता जैन को भी हार का मुंह यहां पर देखना पड़ा है। हमारे साथ फिलहाल मुंबई से ब्यूरो चीफ संजय प्रभाकर यहां पर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संजय, फिलहाल यहां से क्या अपडेट मिल रही है, क्या रुझान में अभी बदलाव आए हैं, किस तरह से सीटें जो है खिसक रही हैं आपस में? देखिए, इस समय जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 102-103 पे भारतीय जनता पार्टी की सीट इस समय रुझान जो है बना हुआ है और शिवसेना 59 और 60 के बीच में है, यानी दोनों को ही थोड़ा नुकसान है। शिवसेना को 4 सीटों पर फिलहाल नुकसान, 3 से 4 सीटों का नुकसान दिख रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को करीब करीब 19 से 21 सीटों का नुकसान इस समय दिख रहा है। यानी कि ये एडवांटेज नहीं है, नुकसान है भारतीय जनता पार्टी के लिए और बहुत बड़े उनके लिए खुशी की बात नहीं है। और फायदा इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ है एनसीपी को। शरद पवार ने जिस तरीके से आखिरी मोमेंट में 7-10 दिन जो मेहनत किया है, उनके उम्र को लेकर लोग सवाल कर रहे थे। संजय बिल्कुल, अगर 2014 की बात करें तो 122 सीटें यहां पर जीती थी, तो ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बीजेपी के लिए डाउनफॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र के उन हाई प्रोफाइल सीट की बात करें जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए साख का सवाल यहां पर बन गई थी और नेताओं के चेहरे ऐसे थे जिन पर कम से कम ये तो भरोसा हो गया था कि ये सीट तो शायद बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन वो सीटें जब जाती हुई दिख रही हैं तो बड़ा झटका यहां पर बीजेपी को लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर जो सरकार इस समय है उसकी मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, उसकी मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री और साथ में महिला बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे, गोपीनाथ मुंडे की जो बेटी है वो हार गई परली से, उनके चचेरे सगे चचेरे भाई ने हरा दिया है। साथ में बहुत बड़ी खबर बता रहा हूँ, शिवसेना के प्रमुख का घर कहाँ में, वो कलानगर क्षेत्र में, वहाँ शिवसेना का कैंडिडेट हार गया। देखिए, हाँ, विश्वनाथ महाटेश्वर वो हार गया वहाँ पे, मतलब मातोश्री जहां है, जिस एरिया में मातोश्री है वहां पर शिवसेना का कैंडिडेट हार गया। शिवसेना की जो बागी उम्मीदवार जो इस समय वहां के मौजूदा विधायक थे वो उन्होंने तृप्ति सावंत उन्होंने पर्चा भर दिया, इसके वजह से मामला पूरा समीकरण बिगड़ गया और कांग्रेस एडवांटेज लेकर वहां पर जो है कांग्रेस का उम्मीदवार किशान सिद्दीकी वो जीत गया। यानी कि शिवसेना का जहां घर है मुख्यमंत्री या शिवसेना के मुखिया का क्षेत्र शिवसेना हार गई। और देखिए, सातारा से एनसीपी के बहुत पुराने नेता थे उदयन राजे भोसले, वो भारतीय जनता पार्टी आकर उन्होंने उपचुनाव लड़ा लोकसभा का, वहां भी वो हार गए। तो एक तरीके से बहुत खुशी की बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में तो, लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान का एक कारण ये भी माना जा रहा है कि कई लोग जो बागी हो गए उसके वजह से वोटों का बंटवारा हुआ। मीरा भाईंदर सीट जहां पर उत्तर, बिल्कुल बिल्कुल, संजय लौटेंगे आपके पास ज्यादा अपडेट्स के लिए, फिर से रुक करेंगे जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, जिस तरह से नतीजे सामने आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहां पर आखिरकार कमी कहां रह गई, चाहे वो हम कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, क्योंकि जिस तरह से जिन नेताओं के चेहरे पर यहां पर दाव लगाया गया था आखिरकार में वही लुटिया डुबाते हुए नजर आ रहे हैं। बात हम यहां पर कर रहे हैं हरियाणा की, हरियाणा में जिस तरह से मनोहर लाल सरकार ने यहां पर एक उम्मीदों के साथ अपने मंत्रियों को उतारा था, कहीं ना कहीं अब वो मंत्री ही यहां पर हार का मुंह देख रहे हैं। तो हमारे साथ मेहमान हैं, चर्चा करेंगे इसी मुद्दे को लेकर कि आखिरकार कहीं हार का मुंह क्यों देखना पड़ा यहां पर, कि क्या कमी रह गई है। हमारे साथ संजय गौतम हैं, कांग्रेस के नेता हैं, इसके साथ ही प्रवक्ता हैं बीजेपी की रेणु भाटिया जी और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक हैं परविंदर सेठी जी। सबसे पहला सवाल तो रेणु भाटिया जी आपसे ही बनता है कि आखिरकार क्या हो गया, इतने बड़े चेहरों पर जो दाव लगाया, सोचा नहीं था कि इस तरह का नतीजा आएगा। देखिए ऋतु, सबने अपनी अपनी तरह से 5 वर्षों में बहुत भरपूर काम किया था, पूरी तरह से जमीनी तौर पर वो नेता
के तौर पे उतरे हुए थे और हर क्षेत्र को उन्होंने छुआ था काम के दृष्टि से, लेकिन जनता है, जनता का जहाँ मन बना जिस तरह से बना, जनता जनार्दन है, हम कहते हैं कि जनता ने जो निर्णय लिया वही मंजूर है। परंतु अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के एक एक सिपाही ने बहुत मजबूती से अपने क्षेत्रों को देखा और अभी मुझे अभी भी लगता है कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे अभी पूरा रुझान आया नहीं है, तो अंत तक देखा जाएगा कि पूरा समीकरण क्या बन के निकलता है और पार्टी किस एंड तक जाती है, कितनी और ज्यादा सीटें हमारी। लेकिन रेणु जी, हम ऐसे ही तो नहीं कह सकते ना कि जनता का फैसला है। हम रैलियों में तो ये बड़े हुंकार के साथ कह देते हैं कि जो किया है भुगतना पड़ेगा और जनता सीधे जवाब देगी, लेकिन आखिरकार अब क्यों कि जनता ने किया है, हमने तो काम किया था लेकिन जनता का मन था कुछ और, जनता ने अपना नतीजा दे दिया। देखिए कुछ तो कमी होगी ना, डेफिनेटली देखिए इस बात का तो मंथन होना ही चाहिए, चाहे वो हम हो चाहे कोई हो, हमारी कमी कहाँ रही उसका सुधार होना चाहिए और जहाँ हमने बढ़त ली उसके पीछे भी क्या राज है, क्या हमने क्या बेहतर किया तो उसको दूसरे क्षेत्रों में हम किस तरह से उतारें उस बेहतरी को, ये सारी बातें देखनी चाहिए, अपना आकलन तो खुद करना ही चाहिए। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि हम अपनी बात को कम सुनते हैं लेकिन हमें सुनना चाहिए और जहां हमारी कमी रही हम उस बात को भी देखेंगे कि क्या कमी रही। बिल्कुल संजय जी, आपके पास आना चाहेंगे, मंथन तो किया जाता है हार को लेकर, रेणु जी ने वो स्वीकार भी किया है कि हार हुई है, स्वीकारते हैं, चलिए मंथन किया जाएगा, लेकिन आपकी पार्टी तो कभी हार के बाद मंथन ही नहीं करती, बस चल दिया जाता है एक धर्रे के साथ और उसके बाद रणनीति कोई बनती नहीं, जब नतीजे आते हैं तो ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया जाता है। चलिए इस बार तो कह रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं इस बार, आपको पता होगा जिस तरह से सोशल मीडिया में वायरल होता है कि ईवीएम ने तो इस बार अपनी इज्जत बचा ली कम से कम, अब किसको बोलिएगा, ऐसे कुछ नेता आपकी पार्टी में भी हैं, रणदीप सुरजेवाला। सबसे पहले मैं R9 TV पे दर्शकों को दीपावली की, धनतेरस की शुभकामनाएं देता हूं और जैसा कि आपने कहा हमारी पार्टी हमेशा अंतर्मनन के साथ ही आगे जाती है, हुड्डा जी को कमान सौंपना ये सारा का सारा प्री प्लान करके उनको सौंपा गया था, शैलजा जी को उनका प्रदेश अध्यक्ष बनाना ये सब कुछ अंतर्मनन करके ही किया गया था हमारी राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी। चलिए वो तो एंड वक्त पर फैसला लिया गया ना, इससे पहले तो ये चल रहा था कि पार्टी शायद अलग बना ले। चलिए आपके पास फिर से लौटूंगी, चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ कुमार रमेश इस दौरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले, टक्कर का मुकाबला है यहाँ पर, लेकिन मनोहर लाल के नेता ही उन्हें ले डूबे हैं, लुटिया डुबो दी है यहाँ पर। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से ठीक पहले कहा था कि वो 75+ का आंकड़ा छुएंगे और उससे ज्यादा की भी सीटें लाएंगे, लेकिन बिल्कुल जो एग्जिट पोल सभी चैनलों ने दिखाए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 75+ तो दूर, आप बहुमत का भी आंकड़ा नहीं ला रहे और स्थिति बिल्कुल उसी उसके सामान्य नजर आ रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो 37 के करीब सीटें जो है आती हुई अभी तक दिख रही है और कई जगह कांग्रेस जो है अब प्रत्याशी जो जीत कर रही है, कांग्रेस की इतनी भी अपेक्षा नहीं थी कि वो इतनी जीत कर पाएगी, कांग्रेस के जो अंदरूनी जो लोग थे उनका आकलन था कि उनके 20 सीटें करीब आ जाएंगी, लेकिन वो आंकड़ा 20 से बहुत ज्यादा आगे चला गया और जननायक जनता पार्टी इस बार वाकई किंग मेकर का काम करेगी, क्योंकि जो चाबी उनके पास है वो विधानसभा का ताला खोलेगी, आखिर सत्ता की चाबी में छल्ला कौन बनेगा ये बड़ा जो है सवाल खड़ा हो गया। वही दुष्यंत चौटाला इन चीजों पर मंथन कर रहे हैं और कल उन्होंने 2 बजे के लगभग दिल्ली में अपने जीते हुए सभी विधायकों की बैठक बुलाई है और विधायक तय करेंगे कि आगे जाएंगे कहां। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति स्पष्ट हो गई है कि वो पूर्ण बहुमत से सत्ता में नहीं आ रहे, अब गठजोड़ की राजनीति वो क्या करते हैं ये आगे उनका भविष्य तय करेगा। लेकिन रमेश, क्या लगता है ये हार का ठीकरा आखिरकार किस पर फोड़ा जाएगा और इसके साथ ही ये कमी कहाँ रह गई है यहाँ पर, क्या वजह ये हो सकती है जिसको लेकर यहाँ पर उपलब्धियां गिनवाई गई, वो उपलब्धियां कहीं ना कहीं थी ही नहीं और यही गुस्सा जनता का यहाँ पर फूटा है और इसी तरह से जो नेता है वो यहाँ पर जीत का मुंह नहीं देख पाए हैं। सबसे बड़ी बात, आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो और बीजेपी का मैनिफेस्टो और तमाम दूसरी पार्टियों का मैनिफेस्टो देखिए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तमाम प्रकार की चीज जो थी उसमें एक था कि 5100 रुपए पेंशन देंगे और बुजुर्गों को तमाम प्रकार की चीजें देंगे, उसके अधिक से अधिक सहूलियत दी जाएगी, उसके अलावा जो बेरोजगार है उनको महंगाई भत्ता दिया जाएगा, उनको अलग से बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा, तो ये तमाम प्रकार की चीजें थी जो कांग्रेस को जो है कहीं ना कहीं आकर्षित कर रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के टोटल रिव्यू में अगर आप देखें ऐसी नजर रही, उन्होंने इवन की बुढ़ापा पेंशन भी बढ़ाने की बात नहीं, केवल धारा 370 और ऊपर उन्होंने वोट मांगा और जो उनको कहीं ना कहीं नुकसान दे गया।
चलिए रमेश, आप बने रहिएगा, अपडेट भी आगे आपसे लेते रहेंगे। रुझान नतीजे लगातार जिस तरह से सामने आ रहे हैं, संजय जी आप अपनी बात यहाँ पर रख रहे थे, लेकिन जिस तरह से हम अपने ब्यूरो चीफ चंडीगढ़ के रमेश से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये फर्क यहाँ पर घोषणा पत्र का भी दिख जाता है। क्या हम कहें ये घोषणा पत्र वही है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस्तेमाल किया गया था? राजस्थान की परिस्थिति अलग थी, मध्य प्रदेश की परिस्थिति अलग थी और हरियाणा की परिस्थिति अलग है, महाराष्ट्र की अलग थी। तो जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में क्योंकि हमेशा ट्रेंड बदलता है, आप लास्ट टू लास्ट ईयर जब हुड्डा जी ने 10 साल तक मुख्यमंत्री रहते हुए काम किए, उस कामों का नतीजा भी हरियाणा की जनता जो कि देख रही थी कि 5 साल में जो खट्टर जी ने नहीं किए वो 10 साल पहले जो हुड्डा जी ने शुरू किए थे आज तक वो पूरे नहीं हो पाए। तो हरियाणा की जनता, चाहे वो पेंशन के बारे में है, चाहे बेरोजगारी के बारे में है, उसके बिहाफ पे हरियाणा की जनता ने वोट किया। 370 हो या सिर्फ बीजेपी का जो पाकिस्तान राग जो अलापना है वो रहा हो, अब की बार जनता ने उसको हटाकर वहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर वोट किया, यही मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। और कांग्रेस पार्टी हमेशा एकजुट होकर लड़ती है, थोड़ा सा बस अगर इस बार थोड़ा और एकजुट होकर लड़ती तो पूरी पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बना पाती। चलिए ये तो हो रहा ना कि मनोहर लाल के शायद काम ही इस तरह के नहीं रहे कि कहीं ना कहीं आप कैश करके ले गए वो मौका यहाँ पर, लेकिन परविंदर जी आपके पास यहाँ पर आना चाहेंगे, जिस तरह से रमेश बता रहे थे, क्या लगता है कि घोषणा पत्र एक कहीं ना कहीं मेजर इफेक्ट यहाँ पर हो सकता है, इम्पैक्ट यहाँ पर हो सकता है, जिसके चलते ये नतीजे, ये टक्कर यहाँ पर आमने सामने की हो रही है और नतीजन ये कि जो नेता है, जो बड़े चेहरे हैं, वही यहाँ पर हार का मुंह देख रहे हैं? देखिए, राजनीति के अंदर कोई बड़ा चेहरा नहीं होता, कोई छोटा चेहरा नहीं होता, बड़े बड़े चेहरे हार जाते हैं। जब जनता का जनादेश आता है, जब जनता का आक्रोश जागता है, जब जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है, तो बड़े से बड़े नेता रहे हों, आपने देखा होगा, सब हार जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब मैं यही बता रहा था कि उसकी स्थिति खराब थी लोकसभा चुनावों के अंदर, लेकिन जब वहाँ पे पुलवामा अटैक हुआ, जिस प्रकार से मोदी जी ने उसका जवाब दिया, अभिनंदन को लेके आए, एक राष्ट्रवाद का एक पूरा माहौल बन गया और वो उसको कांग्रेस जो है इनकैश नहीं कर पाई और वो जो बोलती थी उनके नेगेटिव ही जाता रहा और एक वेव सी बन गई। लेकिन जो उन्होंने नोटबंदी करी उसके बाद जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी है उसका इम्पैक्ट अब नज़र आ रहा है, जो रोजगार खत्म हुए लोगों के उसका इम्पैक्ट अब नज़र आ रहा है, जो किसानों की स्थिति है वो इतनी दयनीय है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, उसी प्रकार से एजुकेशन जो है आउट ऑफ रीच हो गई है आम आदमी के, जो प्राइवेट एजुकेशन इतनी महंगी है, हेल्थ इतनी महंगी है, आपकी चिकित्सा इतनी महंगी है, न्याय और कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, ये सारे मुद्दे हैं और जनता एक तरह से निराश हो चुकी है। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी को कोई शाबाशी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने तो पहले ही अपने हथियार फेंक दिए थे। बीजेपी ने इतना बड़ा जनादेश होने के बावजूद, इतना ही बड़ी वेव होने के बावजूद, उन्होंने एक इतना जबरदस्त चुनाव प्रचार किया, चाहे मोदी जी हों, उन्होंने 3-3, 4-4 रैलियां की, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, योगी जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो देखा गया सीरियस बिल्कुल नहीं लिया गया प्रचार इस बार कांग्रेस की तरफ से। हाँ, कांग्रेस में एक बिखराव था और राहुल गांधी जी वैसे ही ये हार का सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाए थे और उनका अपने पर्सनल क्लैशेस हो गए, फिर उन्होंने कहा मैं प्रेजिडेंट पद पे नहीं रहूंगा, तो इसी उधेड़ बुन में कांग्रेस पार्टी लगी थी। और यानी कि संजय जी, ये जीत नहीं हुई, बस आपको मौका मिला है। हाँ, आपको मौका मिला, उसका बेनिफिट उठाइए। ये कहना बिल्कुल गलत है कि मौका दिया है, आप पीछे का इतिहास उठा के देख लीजिए सर। संजय जी चलिए एक लाइन में बता दीजिए, इस बार हरियाणा चुनाव को लेकर आपने मेहनत क्या की, राहुल गांधी ने मेहनत क्या की, प्रियंका गांधी का नाम आपने लिस्ट में डाल दिया कि प्रचारक है, आशीर्वाद दिया है, तो मैं यही कहूंगी कि बीजेपी पार्टी ने जो भी कुछ किया है बहुत अच्छा उन्होंने किया है और जितने भी आज तक काम किए हैं उसके ऊपर जनता भरोसा करती है और उसी भरोसे के कारण लोग आज उन पे विश्वास भी करते हैं। जितना साथ आपको मिला था जनता का, क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए, मैं धन्यवाद करूंगी पूरी जनता का जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। या थैंक यू।
दादरी से बीजेपी की प्रत्याशी यहां पर थी बबीता फोगाट, लेकिन हार का सामना यहां पर करना पड़ा है। और इस बार हमने देखा था कि खास यहां पर खिलाड़ियों को टिकट यहां पर दिया गया था और ऐसे ऐसे चेहरों को यहां पर लाया गया था जिससे वोट शेयर में यहां पर ज्यादा से ज्यादा इजाफा हो पाए और बीजेपी की सीटें यहां पर पक्की हो पाए। लेकिन अगर हम और सीटों की बात भी कर दें, जिससे बड़ौदा की हमने जहां सीट देखी वहां पर योगेश्वर दत्त हार गए हैं। सोनाली फोगाट की बात करें, टिकटॉक क्वीन कहा जाता है और जिस तरह के फॉलोअर्स उनके हैं उससे भी एक उम्मीद यहां पर जगी थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी की वो सीट भी पक्की हो जाएगी, लेकिन उस सीट से भी यहां पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है। तो लगातार इस पर हम अपडेट आपको यहां पर देते रहेंगे कि किस तरह से हार और जीत यहां पर चल रही है, किस तरह से बड़े बड़े नेता यहां पर हार का मुंह देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जिस तरह से परविंदर जी आप भी कह रहे थे कि ये जनता है, ये जनता का आक्रोश है, आखिरकार कितने दिन सहेगी? 5 साल बाद आना तो आपको जनता के पास ही है और यही गुस्सा है कि जनता का भी यहां पर टूट पड़ा है। नहीं, मैं एक चीज और कहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी में एक ओवर कॉन्फिडेंस था, मनोहर लाल खट्टर में ये था कि मोदी जी के नाम से फिर 75 पार हो जाएंगे, लेकिन जब जनता जो आज जो भुगत रही है, जो देखिए आज लाखों लोग यहाँ पे भूखे सोते हैं और नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, जो युवा है वो बेकार घूम रहा है, और आप अभी पीएमसी घोटाला देख लीजिए, वहां पे 4-5 लोगों ने आत्महत्या की। तो इस तरह की चीजें जो रोज आ रही हैं, रोजगार मिल नहीं रहा, जो सरकारी महकमे हैं वो प्राइवेट करे जा रहे हैं, इस तरह से जो यहाँ का युवा जो है, और इसीलिए जो इसका वोट प्रतिशत कम हुआ है, लोगों के अंदर एक निराशा की भावना भी है। लेकिन परविंदर जी, क्या एक वजह यह भी समझी जा सकती है, क्योंकि 2014 में हमने देखा था कि मोदी फैक्टर, मोदी मैजिक यहां पर काम किया था और उस दौरान कोई ठीक से साध लिया तो वहां पर सरकार बननी सुनिश्चित है, क्योंकि वहां पर भी विपक्ष घात लगाए बैठा है कि किस तरह से शिवसेना को झपट्टा मार करके खींचा जाए एनडीए से, और उनको वह मुख्यमंत्री पद भी ऑफर कर सकते हैं। इसलिए वहाँ पर भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होगी बीजेपी को, यदि वहाँ पर सत्ता कायम करनी है तो शिवसेना के साथ में एक बहुत ही मजबूत साझेदारी, एक सम्मान की साझेदारी और बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा। जहां तक प्रश्न हरियाणा का है, हरियाणा में हुड्डा साहब का भी एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक अनुभव रहा है और एक खानदानी परिवार है, और हुड्डा साहब का व्यक्तिगत तौर पर लोगों के साथ कोई बैर विरोध नहीं है, इसलिए उनसे हर आदमी बड़े खुले मन से और विश्वास के साथ बात कर लेता, इसलिए वो भी एक बड़ा फैक्टर है। और क्योंकि चौटाला परिवार में आदरणीय श्री चौटाला साहब की विरासत को दुष्यंत चौटाला जी ने मेहनत करके, लोगों का विश्वास जीत करके यह हासिल कर लिया है कि चौधरी देवीलाल जी की जो विरासत है उसको संभालने में वो सक्षम है, और बहुत ही पराक्रमी स्वभाव के हैं, बहुत तेजस्वी हैं और हिम्मत कभी नहीं हारने वाले हैं। तो बाबा रामदेव को आप यहां पर सुन रहे थे। महाराष्ट्र और हरियाणा के जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं उन पे उन्होंने अपना बयान रखा है, और साफ तौर पर उन्होंने महाराष्ट्र को लेकर यह कहा है कि जिस तरह से बहुमत के आंकड़े यहां पर बीजेपी और शिवसेना गठबंधन के पास हैं, उसके बाद अब अपनी मजबूत सरकार बनाए। वहीं हरियाणा को लेकर उन्होंने कहा कि नतीजे यहां पर बतला रहे हैं कि किस तरह से कहीं ना कहीं एक गुस्सा यहां पर जनता का साफ देखने को मिला है, लेकिन चौधरी देवीलाल की विरासत को एक बार फिर से बचाने की कोशिश यहां पर जेजेपी के जरिए की गई है। चर्चा में जहां पर मंथन इस बात को लेकर चल रहा है कि आखिरकार कहीं पर खुशी और कहीं पर गम क्यों है, और गम वहां क्यों है जहां पर बड़े बड़े चेहरे दांव पर लगे थे, साख यहां पर बचा रहे थे मनोहर लाल की। तो नेता हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के संजय गौतम जी, इसके साथ ही परविंदर सेठी जी, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद है। परविंदर जी, ब्रेक से पहले सवाल मेरा यहां पर रुक गया था, यहाँ बाबा रामदेव की बयान यहाँ पर सामने आया था, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है,
कि जिस तरह से हम देख रहे हैं खिलाड़ी भी यहां पर हार का सामना कर रहे हैं, वो खिलाड़ी जो हरियाणा का गौरव रखते हैं, जो मान रखते हैं, उनको हरियाणवी लोग जो हैं वो काफी मान देते हैं, सम्मान देते हैं, उनको अगर हार का मुंह देखना पड़े तो इसके लिए क्या कहा जाए? क्योंकि 2014 में हमने देखा कि मनोहर लाल को कोई फेस नहीं चुना गया था, मोदी फैक्टर पर, मोदी मैजिक पर ये चुनाव लड़ा जा रहा था, लेकिन क्या गलती कर दी बीजेपी ने अपनी तरफ से कि 2019 में मनोहर फेस जो है वो सामने रख दिया, यही नतीजा? देखिए मैं आपको बताऊं, लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी सरकार ने अपने पूरा दमखम लगाया था, इसमें वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में थी। उस समय भी बहुत सारी सेलिब्रिटीज जैसे हंसराज, सनी देओल जैसे बड़े बड़े दिग्गज लोगों को उतारा गया था चुनाव में, और एक स्टार कंपेनर के रूप में उनको यूज करा जाए, इस वजह से उनको टिकटें दी गई थी। अभी जो ये बबीता फोगाटेस के लिए रैली भी करी उन्होंने, और उसमें ये भी कहा कि जो जिनपिंग से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा मैंने दंगल फिल्म देखी है, उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन एक जो चुनाव लड़ना भी एक बड़ी टेक्निकल चीज है, जो स्पोर्ट्समैन है वो बड़े सीधे और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और उस प्रकार से मेरे को लगता है उनकी मैनेजमेंट में कमी रही होगी, या जो उनका जो नेटवर्क है, देखिए जो चुनाव के अंदर जो अंदर लोग बैठते हैं, जो आपकी कन्वेंसिंग करते हैं और जो गिनती में बैठते हैं, बड़े विश्वास पात्र होते हैं जो वोटिंग के टाइम पे, ये सारी टेक्निकलिटीज में कई बार आदमी रह जाता है। और अभी जो बीजेपी का घटत हुई है उसका नतीजा उनको ही, स्पोर्ट्समैन को भी भुगतना पड़ा। अभी संदीप सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो हॉकी के माने हुए प्लेयर हैं, कैप्टन रहे हैं, उनका नतीजा अभी आया नहीं है। बिल्कुल, उनका नतीजा आना बाकी है, और फिर पता चलेगा कि क्या खिलाड़ियों पर अभी भी जनता को भरोसा है या नहीं। देखिए चुनाव तो बड़े बड़े लोग हार गए हैं, देखिए बड़े बड़े दिग्गज हारे हैं। संजय जी, रणदीप सुरजेवाला को लेकर यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे। जिंद में उपचुनाव हुआ, हार गए, फिर से आपकी पार्टी ने यहां पर भरोसा जताया, कैथल से यहां पर उतार दिया गया, लेकिन एक बार फिर से हार का मुंह देखना पड़ा है। आखिरकार क्यों बार बार, क्या एक ट्राई के तौर पर आप यहां पर रणदीप सुरजेवाला को ले रहे हैं, या फिर कोई चेहरा शायद नहीं बचा है? जी, बात चेहरे की नहीं है, जैसा कि प्रवीण जी कह रहे थे कि बड़े बड़े नेता हार जाते हैं, लेकिन यहाँ पर, अरे सर, हरियाणा में फैक्टर हार के बाद आप क्यों एक व्यक्ति पर इतना भरोसा जता रहे हैं? नहीं नहीं, चेहरे की जो बात कर रहे थे आप, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको, कि जैसा प्रवीण जी कहते हैं कि अच्छे अच्छे नेता जाते हैं, लेकिन कारण क्या है वहाँ पे, हरियाणा की जो राजनीति है उसको देखते हुए क्या है कि जनता ने जिस हिसाब से वोटिंग करी, उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी कह रहे हैं कि जात पात, जाट वर्सेस अदर्स, जैसे जात पात का वो भ्रम फैला रहे थे, हिंदू मुस्लिम का बीजेपी भ्रम फैलाती है, उसी आधार पर हरियाणा में भी जीतना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा जनता ने नकार दिया जी। दूसरी चीज, माननीय हुड्डा जी ने चुनाव के दौरान ही आपको और आपके चैनल पे भी और कई चैनलों पे उन्होंने बोला कि जनता में अंडर करंट है, उन्होंने एडवांस में ये बात कही थी, जो कि अब आपके सामने आ रही है। नहीं, तो जनता ने, मैं आपकी एक बीच में बात करें, जो जो जाट फैक्टर है वहाँ पे 25% वोट है जाट की और 20% दलित की वोट है। जो जाट वोट है वो सारी दुष्यंत चौटाला को कन्वर्ट हो गई है, जो अभय चौटाला परिवार को होती थी, अभय चौटाला को लोगों ने नकार दिया है, और दुष्यंत चौटाला जो जिसके अंदर ताऊ देवीलाल की छवि देखी जाती है, और जो उनकी रैली में 6 लाख लोग आए थे, ये वही 6 लाख लोग हैं जो वोट के रूप में कन्वर्ट हुए हैं। इससे पहले जो इलेक्शन हुआ, जब खट्टर जी मुख्यमंत्री बने, तब भी यही बात कही थी कि जाट वर्सेस ये, नहीं देखिए, तो जाट और इस टाइम क्या फर्क आया? डेफिनेटली जाट जो जातिवाद है वर्क करती है, लेकिन जातिवाद के साथ नेता भी तो उस कद का होना चाहिए। यही बात मैं कह रहा हूं, ये एक छवि उनको दुष्यंत चौटाला के अंदर नजर आई, जो यंगेस्ट है मेंबर, मैं यही कह रहा हूं, और उनके अंदर एक चिंगारी, एक रोशनी नजर आई। बिल्कुल बिल्कुल, और वो चिंगारी शायद अब कांग्रेस को नजर आ रही है, इसलिए अब जोड़ तोड़ की आजमाइश की जा रही है, और कहा जा रहा है कि सबको सम्मान नजरिए से देखा जाएगा। संजय जी, हमारे साथ दो नेता और जुड़ गए हैं, हमारे साथ संजय द्विवेदी जी हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके साथ ही संजीव कौशिक जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, आपने अभी ज्वाइन किया है, इससे पहले हमारी चर्चा यही चल रही थी यहां पर कि आखिरकार इस हार को लेकर किस तरह से मंथन किया जाएगा, और वजह यहां पर क्या रही कि जिस तरह से बड़े बड़े चेहरे यहां पर उतरे थे, वो कहीं ना कहीं हार का मुंह देख रहे हैं यहां पर। हालांकि परविंदर जी ने कहा कि हार तो बड़े से बड़े नेताओं को यहां पर मिलती है, लेकिन मंथन यहां पर ये कि आखिरकार बीजेपी ने जिस तरह से जोर आजमाइश की, क्या वजह है कि इस तरह से हार का मुंह बड़े चेहरों को देखना पड़ा है? देखिए, चाहे हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, दोनों जगहों पे पहले से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, दोनों जगहों पे एक राष्ट्रवाद के नाम पे नई लहर जगा के फिर दोबारा चुनाव लड़ने की कोशिश की गई,
जो नतीजे आए हैं उस नतीजों का एकदम स्पष्ट एक मैसेज है कि आप क्षेत्रीय या किसी भी राज्य स्तरीय चुनाव में आप राष्ट्रीय मुद्दों को उठा करके यदि वहां के स्थानीय मुद्दों को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं तो जनता ये बात समझ रही है कि आपके नियत में क्या चल रहा है। बिल्कुल। दूसरी चीज कि आपने देखा होगा कि जहां तक ये सीट हार इसे हम नहीं मानते, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी अपने सीटों के याफा में करने में कामयाब रही है, लेकिन उनकी सीटें तो निश्चित तौर पर कम हुई है, यह मानने में कोई गुरेज नहीं है। दोनों जगह धुआंधार देश के प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी सभाएं की। महाराष्ट्र में उन्होंने 9 बार रैलियां की और हरियाणा में 7 जगह पे उन्होंने रैलियां की। उसके बावजूद मुद्दा सब जगह सारे जगहों पे 370 और 35A जैसे मुद्दे को हावी रखा गया, राष्ट्रवाद को जिंदा करने का प्रयास किया गया। वहां पे महाराष्ट्र में ना 16,000 किसानों की कोई लेकिन चर्चा संजीव हुई जी, संजीव जी समझने की जरूरत यहाँ पर ये है कि बीजेपी ने इतना कुछ किया, राष्ट्रवाद का मुद्दा आया, खूब प्रचार प्रसार किया, कांग्रेस ने क्या किया, तो इस तरह की टक्कर कैसे? मैं वही उसी बात पे मैं आ रहा था कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह के नतीजे आपको अभी हरियाणा में आप देख रही है, कांग्रेस पार्टी की यदि अंदरूनी कलह में थोड़ी सी मजबूती रहती वो कलह नहीं रहता जो अंदर की अंदर खाने की जो बात है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन इलेक्शन के कुछ ही महीनों पहले की बात है, कुछ महीनों पहले क्या, 1-1.5 महीने पहले की बात है कि आखिर अध्यक्ष का पद कौन संभाले, तो इस तरह के इलेक्शन के पहले ये ऊहापोह की स्थिति और कांग्रेस की आंतरिक रणनीति जो थी वो पता नहीं है जिस भी वजह से है, वो उनके लिए भी मंथन का ये विषय है कि शायद उन मुद्दों पे वो काम किए होते। संजीव जी शायद मंथन ये भी होगा कि अगर ये जो मनमुटाव सामने नहीं आता तो नतीजे कुछ और ही होते, यही शायद बहुमत का आंकड़ा होता है 100% पर। यही मैं कहना चाह रहा था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आत्मचिंतन और मंथन का विषय है, उसी तरह से कांग्रेस के लिए भी आत्मचिंतन और मंथन का विषय है कि शायद ये अंतरकलह जिसके वजह से हम थोड़ा सा पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो यदि मजबूती के साथ एक साथ लड़े होते तो आज हरियाणा में किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं होती। एक चीज और मैं बता दूं कि विश्लेषक अन्य जगहों पे मैं बैठा था तो विश्लेषण करने वाले कर रहे हैं अपना विश्लेषण, तो उस लोग अलग अलग तरीके से कोई बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, कोई कह रहा है कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, लेकिन मेरा मानना व्यक्तिगत हमसे ये पूछे तो चाहे एक सीट ज्यादा हो या 2 सीट ज्यादा हो, जिसके पास ज्यादा बहुमत है जाहिर सी बात है कि उसे निमंत्रण मिलना ही मिलना है। और यदि भारतीय जनता पार्टी को निमंत्रण मिले उस परिस्थिति में बाकी सीटों का लेकिन देखिए अभी कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े बदल रहे हैं दोनों के बीच, ऐसे में मुझे जेजेपी नहीं को लगता बिल्कुल कि बहुत बदलने वाले हैं। ये वो वक्त है जब जेजेपी को नहीं भूलना चाहिए और इसकी जरूरत कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को है और इसी को लेकर शायद मंथन का दौर भी जो है यहाँ पर शुरू हो गया है। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है शिवसेना के। संजय जी हालांकि एग्जिट पोल में आप लोगों के लिए नतीजे बहुत ही अच्छे थे, उसी दौरान से जश्न की तैयारियां जो है वो शुरू हो गई थी और अब जो रुझान भी आ रहे हैं गठबंधन आपका मजबूत है, बाबा रामदेव भी कह रहे हैं गठबंधन मजबूत हो गया है, बहुमत का आंकड़ा आपके पास है, बस अब समझदारी से इस गठबंधन को चलाइएगा। लेकिन संजय राउत का ये जो बयान सामने आया है 50-50 होगा हिसाब किताब, कुछ बातचीत हो पाई है उस पर अभी? नहीं, और महाराष्ट्र में क्योंकि शिवसेना के साथ इतना पुराना गठबंधन है, अगर हमारे संजय राउत जी कह रहे हैं कि 2.5 साल का होना चाहिए तो गलत नहीं कह रहे हैं, ये होना चाहिए आपका में हमारे गठबंधन में परंपराएं होनी चाहिए, परंपरा पहले भी थी पार्टी में, लेकिन गठबंधन में बीजेपी है ना सर। संजय जी गठबंधन में बीजेपी है ना, जब सीट शेयरिंग को लेकर आगे बीजेपी रही है, सबसे ज्यादा सीट शेयरिंग यहाँ पर बीजेपी के पास रही, तो ऐसे कैसे 2.5-2.5 साल का हो जाएगा? मेरी बात सुन लीजिए जी। उत्तर प्रदेश में भी आज से 15-16 साल पहले जब मायावती गठबंधन टूटा था समाजवादी पार्टी से, तो भारतीय जनता पार्टी ने 6-6 महीने के लिए सरकार बनवाई थी, क्या याद होना चाहिए? तो उस समय तो उनके पास सीटें भी ज्यादा थी, लेकिन कोई गठबंधन नहीं आया था। हमारा गठबंधन तो इसके बाद मायावती जी ने सरकार गठबंधन तोड़ लिया था, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है, हमारा पुराना गठबंधन है, हम लोग पुराने मित्र हैं और 25-26 साल एक दूसरे से परिचित है, हमारी नीतियां, हमारे सिद्धांत, हमारे हमारे कार्य करने का ढंग, हमारे शैली सब एक हम लोगों के। लेकिन संजय जी फिर क्यों तमाम मुद्दों पर मतभेद सामने आते हैं? नहीं, मतभेद नहीं होते, देखिए यहाँ पर आप गलत कह रही है, मतभेद नहीं होते हैं, जैसे आतंकवादी वाली बात थी,
सर आपने तो कई बार बीजेपी का फ्रंट फुट पर आकर विरोध किया है। आतंकवाद के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नहीं खेलने देंगे, उस क्रिकेट टीम की पिच खोलने के लिए हमारे चार पांच सदस्य दिल्ली पिच खोली, चलिए संजय जी चलिए ये बता दीजिए, संजय जी चलिए ये बता दीजिए, उद्धव ठाकरे 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्या होगा उसमें खास? बिल्कुल अब तो हमारे राष्ट्रीय नेता तो बता दे, लेकिन हमारा मेन हमारा उनका जो है कहने आया है कि भारतीय जनता पार्टी की मदद से माननीय आदित्य ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, इसमें कोई परंपरा टूटेगी नहीं, कुछ नहीं होगा इसमें, ना भाई हमारी सरकार बने या बीजेपी मुख्यमंत्री बने, तो सरकार तो दोनों की है ना, इसमें थोड़ी ना हुआ करती, अगर मुख्यमंत्री बन गया तो बीजेपी भी मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है ना। चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, तो अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है, मेरे इस्तीफे देने की खबरें जो हैं वो अफवाह के तौर पर सामने आई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, थोड़ी देर पहले ऐसी खबरें आई थी कि अध्यक्ष पद से सुभाष बराला ने इस्तीफा दे दिया है, दरअसल हार का सामना यहां पर सुभाष बराला को करना पड़ा है टुहाना से बीजेपी के प्रत्याशी, और इसी के बाद खबरें यह निकल कर आ रही थी कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन फिलहाल बयान यहां पर सामने आया है उनका, और उन्होंने कहा है कि मैंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है, ये महज अफवाह है। और गुलरेज शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। गुलरेज जी, जिस तरह की नतीजे, जिस तरह के रुझान फिलहाल हरियाणा से सामने आ रहे हैं, इस पर सबसे पहला रिएक्शन, और पहले तो हवा चल रही थी कि इस्तीफा दे दिया गया है सुभाष बराला की तरफ से, शायद जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर पर ले ली, लेकिन अभी इनकार कर दिया गया। कुछ टीवी चैनल से मुझसे एक डेढ़ घंटे पहले भी इस विषय पर पूछा, तो मेरा यही उत्तर था जब तक आधिकारिक बात नहीं आ जाए तब तक उसके विषय में नहीं बोलना चाहिए और उसको प्रसारित भी नहीं करना चाहिए, तो जब आधिकारिक बात आई तो सामने आई चीज की वो खबर जो थी वो फेक न्यूज थी। अब इसलिए मैं कहता हूँ कि जब तक कि सब चीजें छन के बाहर नहीं आए उस पर टिप्पणी नहीं होती, लेकिन जहां तक नतीजे आए हैं, इस नतीजे से एक ही बात जो दिख रही है मुझको कि शायद हम अपना विकास का जो एजेंडा था उसको नीचे तक परकोलेट नहीं कर पाए उतनी अच्छी तरह से जितना जातिवादी दलों ने अपनी जाति का जो एजेंडा था उसको नीचे परकोलेट किया है। संजय जी, आप पर ही निशाना था जातिवाद, जिस तरह से दलित और जाट काट खेला गया आप लोगों की तरफ से, उस तरह से वो नहीं खेल पाए जाति को। कांग्रेस हमेशा ऐसे ही 36 बिरादरी को साथ लेके चलती है, कभी भी किसी भी जाति में भेदभाव नहीं करती, भाजपा वाले हो या कोई भी हो, हमेशा वो कहते हैं कि मुस्लिम को साथ लेके चलते हैं, लेकिन हम कांग्रेस दोनों पे बहुत खुशी है और हमें इस बात पे भी खुशी है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारा वोट प्रतिशत काफी बढ़ा है। तो जिस तरह से यूपी में भी 11 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और उसमें भी जिस तरह से नतीजे, कहीं ना कहीं रुझान जो जिस तरह से कांग्रेस के कहीं ना कहीं पक्ष में आए हैं, उसको लेकर एक बड़ी हुंकार भरती हुई महासचिव हैं कांग्रेस की प्रियंका गांधी, और नतीजे रुझान जिस तरह से हरियाणा को लेकर भी आ रहे हैं और सीटों में जिस तरह से लगातार बढ़ाव हो रहा है, लेकिन सियासी जमीन पर एक बार फिर से कहीं ना कहीं जिस तरह से जगह बना ली गई है कांग्रेस के जरिए, उस पर काफी खुश यहां पर प्रियंका गांधी दिखती हुई नजर आ रही है। संजय जी अपनी बात को कंटिन्यू करेगा। जैसा कि मैं कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरियों को साथ लेके चलती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सबको साथ लेके चलती है, वो जात पात का जो मैटर था, मैं पहले भी अपनी बात कह चुका हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी वो भी हरियाणा में जाके मन से घोषणा करते हैं और आदमियों को जनता को बांटने में विश्वास करते हैं, हिंदू मुस्लिम को बांटने में विश्वास करते हैं, जाट अदर कास्ट को बांटने में विश्वास करते हैं। जी, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? बोल रहे हैं ये जी, 36 कौमों को साथ में लेकर चलते हैं, जाति की राजनीति नहीं करते हैं। एक सवाल मेरा गुलरे जी से है, मैं आपको एक ही बात बताता हूँ, जैसे धर्म की राजनीति की इन्होंने बात की तो मैं आपको ये कहता हूँ, कुछ देर पहले तक जो रुझान देखा था, अभी क्या है मुझे नहीं पता, जो नूह की सीट पे हमारा मुस्लिम उम्मीदवार आगे था भारतीय जनता पार्टी का, तो ये किस तरह से कह सकते हैं, जबकि आप हरियाणा में देखें तो मुस्लिम की जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन हमारा कैंडिडेट तो मुस्लिम आगे था कुछ देर पहले तक। तो संजीव जी की बात है, और एक बात याद रखें हमेशा, देश भी सुन रहा है इस बात, आपके गुलरेज जी,
गुलरे जी, संजीव जी आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे। मैं संजीव कौशिक एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं कि चाहे महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा हो, दोनों जगहों पे आपके सीटों में इजाफा होने के बजाय दोनों जगह पे घटोतरी हुई है। आपको क्या लगता है कि ये जो सीटों में इजाफा होने के बजाय कमी हुई है, केंद्रीय नेतृत्व इसमें विफल रहा है या फिर राज्य सरकारें अपना काम बेहतर ढंग से नहीं निभा पाई है, तो मुख्य रूप से जिम्मेवारी आप किसकी मानते हैं? देखिए, अभी तो पार्टी उसका विश्लेषण करेगी, ये बात तो श्योर है, लेकिन यदि आप उससे पूछते हैं क्या कारण, तुरंत जो दिखता है वह मुझको यह दिख रहा है कि जो हम लोग, हमारा संगठन, हमारे विकास के कार्य, हमारे राष्ट्रवादी की सोच, उसको नीचे तक परकोलेट शायद जिस प्रकार से करना था नहीं कर पाए, वो जाति हावी हो गई विकास और राष्ट्रवाद पर। अरे साहब, प्रधानमंत्री ने 9 जगहों पर रह लिया कि, और हरियाणा में 7 जगहों पर रह लिया कि, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि अपनी बात जमीनी स्तर पर आप नहीं पहुंचा पाए, ये बात कुछ हजम नहीं हो पा रही है। इतने मजबूती के साथ लगातार आप छाए रहे, फिर भी आपकी बात, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने में सक्षम नहीं हो पाई, जिसके वजह से ये रिजल्ट इस तरह से देखने को मिल रहा है। तो ये संभव है सर कि हमसे ज्यादा अच्छी तरह से जातिवाद की बात कही, आरएसएस का संगठन आपके साथ है, उपजाति की धारणा है और उनकी जो गोलबंदी है जाति उपजातियों की। अरे साहब, यदि कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है तो आप जातिवाद की बात करते हैं, वही उत्तर प्रदेश में यदि आपकी बढ़त होती है तो वहाँ जातिवादी धारणा आप तोड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो ये तो चलता रहेगा। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि आप देखिए, अब मैं बड़ा खुल के बोल रहा हूँ कि मैं वर्तमान के उदाहरण भी दूं, कुछ समय पूर्व के भी दूं, शिवराज सिंह चौहान साहब को हमने मुख्यमंत्री बनाया था मध्य प्रदेश के, उनकी जाति क्या थी, किराण समाज के हैं, जो बहुत छोटा सा समाज है, उस जाति का ऐसा कोई दबदबा नहीं है। गुलरेजी, दिक्कत तो आखिरकार यहाँ पर यही है ना कि कोई जाति की राजनीति करता है तो कोई यहाँ पर ईवीएम को लेकर ठीकरा फोड़ देता है, तो कोई राष्ट्रवाद का जिक्र करता है। परविंदर जी, क्या इसी में लोग फंस कर रह जाते हैं और इसलिए ये नतीजा है जो आज देखने को मिल रहा है, ना बीजेपी को बहुमत ना कांग्रेस को बहुमत, और अब छोड़ दी सत्ता की चाबी यहाँ पर बीजेपी के हाथ में छोड़ दी। मैं आपको बताऊँ, ये हिंदू मुसलमान को बांटना, जातिवाद को बांटना एक अलग बात है, और जातिवाद के हिसाब से चुनाव लड़ना एक अलग बात है। दोनों बातों में बड़ा डिफरेंस है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। आप किसी भी प्रदेश में जाएंगे, यूपी में जाएंगे, वहाँ पे जाट हैं, मुसलमान हैं, कुर्मी हैं, और अलग अलग जाति के ब्राह्मण हैं, उनको उस हिसाब से कंसीडर करा जाता है, उस समाज के लोगों को सम्मान दिया जाता है, उनका एक उनके ही जाति के व्यक्ति को टिकट दी जाती है। लेकिन धर्म के नाम पर किसी को बांटना, ये देश हित में नहीं है, ये चाहे कोई भी पार्टी हो। उसको संजय जी, आप लोग बोलिए ना अपनी तरफ से कि आपने राष्ट्रवाद का मुद्दा आप लाए, सुरक्षा का मुद्दा लाए और आर्टिकल 370 को लेकर आए, तो हम माने कि चलिए आप अपना रख रहे हैं, बातों को रख रहे हैं, लेकिन आप तो जातिवाद की बात कर रहे हैं। यहाँ पर किसी ने कुछ काम नहीं किया तो उसे यहाँ पर फल मिल रहा है, किसी ने इतनी मेहनत की तो उसका नतीजा ही कुछ और आ रहा है। तो हम उसकी बात चुनाव में भी करेंगे, वो अर्थव्यवस्था भी करेंगे सर। कहीं ना कहीं कमी आपको ये लगती है गुलरे जी, क्या कमी आपको ये लगती है कि शायद राष्ट्रवाद के मुद्दे ले आए और राज्य के मुद्दे नहीं लेकर आए, इसलिए ये नतीजा रहा? क्योंकि तो जनता तो बाकी है, अगर जनता की मूलभूत सुविधाओं को ही पूरा नहीं किया जाएगा। अरे सर, तो बताइए ना राज्य की उपलब्धियां बताइए। गुलरेश जी, रोकना चाहेंगे आपको, रोकना चाहेंगे संजय जी, संजय द्विवेदी जी, क्या लगता है, 122 सीटें थी पहले 2014 के चुनाव में, 100 का आंकड़ा भी यहाँ पर लगता नहीं है, अभी जिस तरह से रुझान आ रहे हैं नतीजे नहीं सामने आ रहे हैं, ये तो पूरा डाउनफॉल हो रहा है। हालांकि आप लोगों के लिए अच्छे संकेत दिख रहे हैं, फिर भी नहीं, ये संकेत अच्छे, हम लोग अच्छे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे तो अलग मैटर हो गया, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी वो है संजय जी, इसीलिए तो हौसले मजबूत नहीं हो रहे।
संजीव जी, इसलिए तो हौसले मजबूत नहीं हो रहे आप लोगों के, तभी तो 50-50 की बात नहीं आ रही सामने। अरे संजय जी सुन लीजिए, क्या सिर्फ इसीलिए तो हौसले बुलंद नहीं हो रहे कि कहां 122 में बीजेपी थी, अब तो नीचे सीटें कम हो रही हैं, हमारी तो वैसी की वैसी हैं, और मांग लेते हैं दे दिया जाएगा, इसलिए तो हौसले बुलंद नहीं हो रहे? लड़ेगा संजय जी, यानी कि लड़ेगा तो मुख्यमंत्री भी बनेगा, है। संजय जी, इससे पहले भी ठाकरे परिवार समाज सेवा ही कर रहा था। अगर हम आदित्य ठाकरे बनाएंगे तो अपने आप थोड़ी ना बनाएंगे। संजय जी सुन लीजिए जैसे मायावती के आपने हौसला दिखाया था, संजय जी को मुख्यमंत्री बनाया था उत्तर प्रदेश में, जैसे उससे पहले मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने थे, तो आज आप आइए और हमारे आदित्य ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनाइए, पहले मिल गया था आपसे। संजय जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, संजीव जी भी कुछ कहना चाहते हैं। संजय जी जिस वक्त आपको ये और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे की बात चल रही थी, आप बराबरी के हिस्सेदार में हिस्सा लेने के लिए आप प्रयासरत थे, हालांकि बड़े भाई छोटे भाई की लड़ाई आप समझ सकते हैं कि शिवसेना की स्थिति जो महाराष्ट्र में है लगातार अपनी गिरती हुई जो उनकी संख्या है उसको बढ़ाने के लिए आप काफी प्रयासरत है, और उसी का नतीजा है कि इतने कई दशकों के बाद आपने ठाकरे परिवार से किसी एक वारिस को खड़ा किया था चुनाव लड़ने के लिए। हम समझते हैं कि जो आप दलील दे रहे हैं कि समाज सेवा करने की बात, तो वो चुनाव नहीं लड़के भी आप समाज सेवा कर ही रहे थे और चुनाव लड़के भी वही काम करेंगे, लेकिन जब चुनाव आप लड़ते हैं तो एक संवैधानिक पद के हिस्सेदार के रूप में आपको जाना जाता है, या जिस तरह के स्टेटमेंट आए थे कि आपको उप मुख्यमंत्री की यदि सीट दी जाए या कि आप चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यदि हम जीत के आते हैं तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं, उप मुख्यमंत्री कैसे। मैं ये जानना चाहता हूं कि जहां भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों के आसपास में दिखाई दे रही है और आप तकरीबन 60 के आसपास में दिखाई दे रहे हैं, फिर भी ये बराबरी का हिस्सा कैसे, किस आधार पे, क्या भारतीय जनता पार्टी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगी? यहाँ पे संजीव जी सीटों का मतलब नहीं है, पहले कहा यहाँ सीटों का मतलब नहीं है, आप तो बार बार सीटों से आंकड़ा लगा रहे हैं, हम तो ये बात कह रहे हैं। संजय जी आप ही बता दीजिए ना, संजय जी आप ही बता दीजिए, अगर सीटों का मसला नहीं है तो किसका मसला है, किस आधार पर मांगा जा रहा है 50-50 का हिस्सा? मैं वही बता रहा हूँ, 25-26 साल से गठबंधन हमारा है, अगर उत्तर प्रदेश में मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दे सकते हैं, अरे सर आप मायावती की पार्टी के साथ क्या सरकार बना रहे हैं? आप बताइए, अभी तत्काल की बात कीजिए, आप उसका उदाहरण के तौर पर मत रखिए, लोग भविष्य की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मायावती को मुख्यमंत्री बनाया तो हमको 25 मतलब ये कसक तो रही गई ना कि दिल के आंसुओं में बह गए, आप जो छोटे भाई बड़े भाई जल्दी से परविंदर जी संजय जी, परविंदर जी आपसे कुछ कहना चाहेंगे। संजय जी सुन लीजिए, संजय जी वक्त बेहद कम है, सुन लीजिए परविंदर जी कुछ कहना चाहते हैं। मैं संजय जी आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जब दो पार्टियों के बीच में अलायंस होता है तो दो विचारधाराओं का अलायंस होता है, अगर आपकी कुछ शर्तें होती हैं तो वो बंद कमरे के अंदर होती हैं और उनकी सेटलमेंट होती है, लेकिन आपने अपना अलग मैनिफेस्टो निकाला, आपने सीएम पद की भी उम्मीदवारी करी, मुझे लगता है कि आपने इस चीज को पहले अनाउंस कर दिया कि आपको ये उम्मीद थी कि हम हो सकता है 80 और 100 सीटें आए, तब हम अपनी बिल्कुल यही बात अपनी शर्त रखेंगे और हम सीएम बनेंगे, अगर हम सीएम बनाएंगे तो हम अलायंस रखेंगे, नहीं तो हम दूसरी पार्टी पहले निकलता था, जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी 25 साल हम लोग साथ में है, लेकिन वचननामा हमारा जो है, संजय जी मैथ्स पढ़े हैं क्या, एक रेशो तो निकालिएगा, रेशो निकालिएगा तभी तो इक्वली हिस्सा मांगिएगा फिर। नहीं दरअसल ये प्रेशर की राजनीति करने की कोशिश हो रही है कि हम प्रेशर बनाएंगे तो शायद ज्यादा से ज्यादा सीटों, अभी आपकी विचारधारा नहीं मिल रही, आगे जाकर कैसे अलायंस चलेगा, सरकार में अलायंस कैसे चलेगा,
बाकी पूरे प्रदेशों में साथ में हैं सर। नतीजे सर संजय जी, जब रुझान आ रहे हैं तो आपके सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं, 50-50 की बात आप कर रहे हैं, हिस्सेदारी की आप बात कर रहे हैं, तो उसी के बाद से पता चल जाता है नतीजे आने के बाद जब सरकार बनाने का दावा करेगा तो क्या क्या शर्त रखेगा। सर मैं ऋतु बोल रही हूँ, सर मैं ऋतु बोल रही हूँ, संजय जी मैं ऋतु बोल रही हूँ, ऋतु मिश्र, ऋतु मिश्र जी, मैं जी। तो पहले भी मांग कर चुका हूँ, रिजल्ट तो आ जा रहा है, हमने उस समय भी आप कहा था कि स्विट्जरलैंड बढ़ के आएगी, अब बढ़ के तो क्या रही है, अब भारतीय जनता पार्टी क्यों घटी, ये भारतीय जनता पार्टी। चलिए चलिए, ये तो सभी की गुड विशेष आप लोगों के साथ हैं संजय जी, गुड विशेष आप लोगों के साथ हैं, हर कोई यही कह रहा है कि अगर बहुमत का आंकड़ा आप लोगों को मिल गया है तो एक अच्छी सरकार बनाइएगा कि ताकि मुंबई के लोगों का, महाराष्ट्र के लोगों का कुछ भला हो पाए, सूखे से उनको कम से कम निजात दिल पाए और जो बातें आपने घोषणा पत्र में कही है वो कम से कम पूरी हो पाए। चलिए संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, परविंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद, रेणु भाटी हमारे साथ जुड़ी हुई थी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, तो तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और चर्चा यहां पर आज हमारी यही थी कि आखिरकार जिन चेहरों को लेकर दाव खेला गया वो आखिरकार आते आते फीके कहां पड़ गए, नतीजे लगातार आ रहे हैं, रुझान लगातार आ रहे हैं और इस पर R9 TV की लगातार नजर बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए R9 TV के साथ।